सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं कोकोटी वाटरफॉल में, और वो फनलैंड में सिचुएटेड है। और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड्स लोग, आप देख सकते हो ये संजो, राजू और अक्षय। हम लोग बाइक से जा रहे हैं और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट का भी मैं इधर से आई गेस हाफ एन आवर दिखा रहा है मैप में, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है यहाँ से। 23 किलोमीटर से यहाँ से, तो देखते हैं कैसा होता है। ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, स्टे ट्यून्ड। आपको ब्रिज दिखेगा, ब्रिज से ही आपको अंदर जाना है ये गेट से। जैसे ही अंदर आओगे तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू देखने को मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड से आपको एक रिवर जाती हुई दिखेगी। और ये प्यारे नज़ारे देखते हुए आपको ये विलेज तक ये रास्ता सीधा लेके जाने वाला है। हम लोग इधर पहुंच चुके हैं, और इधर जो हम लोग ने काकू से कांटेक्ट किया था उनसे आपको बात करवाती हूँ, वो पूरे डिटेल्स आपको इधर दे देंगे। आपको लंच चाहिए तो वो भी दे देंगे, और इधर से आपको गाइड चाहिए वो भी दे देंगे, तो उनसे एक बार देखो क्या बोलते हैं। और लेट्स सी। नमस्कार, माझं नाव रेणुका मडवे। मी ट्रेकिंग आता येत्या 2 वर्षापासून 3 वर्षापासून करते। खाण्यापिण्याची राहण्याची अत्यंत सोय आहे। जर तुम्हाला गाईड पाहिजे, गाईडचे चार्ज आहे 500 रुपये माझं, आणि जेवणाचे तुम्हाला जर चार्ज पाहिजे तर 300 रुपये, 2 नाश्ता सगळं व्हेज जेवण मिळेल, नॉनव्हेजचे 350 रुपये। इथं 2 पॉइंट आहे, मुगरागड आणि गोकोंडी। गोकोंडीच्या खाली एक मोठ्या वरची कुंडी आहे, खाली गोकुंडी आहे, असे 3 पॉइंट तुम्हाला बघायला। जर तुम्हाला राहते पाहिजे ना असं तर 1300 रुपये पॅकेज राहता, जर तुम्हाला एक वन डेचा पाहिजे तर 700। थँक्यू। राहण्याची सोय आहे ना? हो, राहण्याची पण सोय, आमची कॅम्प साईट पण आहे। आमच्या इकडे कोजगिरी नाईटचे मोठे बुकिंग असतात, त्यांची कॅम्पिंग होते, जुगनूस कॅम्प असतात, तिथं आम्ही कुठल्याच पब्लिकांना आतमध्ये येऊन देत नाही। जर त्यांची बुकिंग कॅम्पिंग वर असेल त्यांनाच आम्ही येऊन देते, कारण की नॅचरल खराब होतात, जुगणूचे पण त्यांना प्रॉब्लेम होतात, जे येणार आहे ते पण बंद होतात। भंडारा घरामध्ये पण तसंच झालं, खूप पब्लिक आले, सगळ्यांनी लाईटिंग दाखवल्या, प्रदूषण वाढलं, तिथले बंद झाले। आता इकडे भरपूर आहेत, ज्याची बुकिंग आहे त्यालाच ते जुगणूचे कॅम्प फायरचे आम्ही करू शकतो, त्यांना मदत करू शकतो। पण इतर जर तुम्ही रात्री मध्यरात्री कोणी येईल तर इथनं यांना अलाउड नाही, ज्याची बुकिंग आहे त्यांनाच सगळं बघायला पाहिजे। आता तुम्ही बोले मित्रां थ्रू येणार, जसं फॉरेस्टचा पण फॉरेस्ट लागू पडते, आता तुम्ही जर असाल ना फॉरेस्ट लागू नाही, त्यांचे पण नियम आहेत। तिथं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुठल्याशे म्युझिक तेलकट पदार्थ अलाउड नाहीये, प्लास्टिक टाकणं पण अलाउड नाही। जो तुम्ही स्वतःचा काय घेऊन जसं स्वतः तो घेऊन यायचा, ज्या अवेली करायचा त्याचं करून टाकते। थँक्यू। तुमचा नंबर असेल तर सांगा, 9359930852। सो वी आर रेडी सेट टू गो, और हमारे साथ ये पूरी टीम हो चुकी है, हम दोनों ही लड़के हैं। बट लाइफ जैकेट की जरूरत नहीं, हम लोग अच्छे से स्विम कर सकते हैं, हम लोग अच्छे तरह से ट्रेन लड़के हैं। कहाँ से जाते वक्त आपको इधर एक शॉप मिल जाएगा, उधर से आप स्नैक्स खरीद सकते हो। और आज हमारे टूर गाइड रहेंगे ये छोटे छोटे बच्चे लोग, जो देखते हैं किधर लेके जाते हैं, अच्छे रास्ते से लेके जाते हैं या फिर से घुमा देंगे हमें। आ जाओ, दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा, लैपटॉप लेके दिखा दूंगा। तुम सुधरोगे कब? दिखा दूंगा। हर किसी को कंपनी मिली है हमें छोड़ के, बट हमें ब्लॉगिंग की कंपनी जरूर रहेगी। हाँ। किसी की नहीं रहेगी, बट इसकी रहेगी। फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग सनस्क्रीन लगा रहे हैं, बट बहुत धूप देख सकते हो, धूप अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया, अभी बज चुका है 9:07, मतलब हमने 9 o'clock को चालू किया है, 15 मिनट हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया है। हम लोग ने शॉप पे
थोड़ा कुछ लिया, स्नैक्स वगैरह, बॉटल वगैरह। चलो चलते, पानी तो हमें आगे इस रास्ते में मिल जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमने एक ही बॉटल ली है इतने लोगों में। लेट्स गो। सो गाइस, आपको ये खाने को जरूर मिल जाएगा। वेरी नाइस। खट्टा है, अच्छा है। हाँ खट्टा है, मस्त लग रहा है। बट चलो, वैसे ये ट्रैक करने के लिए कुछ इतना टफ नहीं है, हम लोग इजीली ये ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक गाइड नहीं लेना भी चाह रहे हो ना, तो नहीं ले सकते, बट हमने लिया है क्योंकि आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो जाए। और हम लोग यहाँ पे नए तो ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं तो कॉन्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं हम लोग। काम का 200 रुपए, 200 रुपए इधर जंगल में तू लैपटॉप लेके आए और 200 रुपए मिलेगा? इतना काम कोई करता है क्या? मुझे कमेंट करके बता दो। इतना काम तो कोई हमने देखा नहीं है अभी तक। आपके पास ऐसा नमूना रहेगा तो टैग कर देना उसे। टैग करो, कमेंट करो। ऐसे यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए रखा गया है। इकड़े इकड़े उठोर हम लोग घूम गए, हमारे टूर गाइड भी आ गए। हमें छोड़ के मत जाओ। अरे दीदी तो सगे दगड़ो, हम भी कंफ्यूज। हर रोड ने जा चुकी, हर रोड ने। तुम आगे चलो दीदी, तुम एक तो गांव वाली छोरी है, उनको मालूम नहीं होता। सो गाइस, आज मेरा साथी है, मेरे साथ दिख रहे हैं कि आपको पता नहीं, बट मेरा साथी आज ये कोई नहीं रहेगा, बट ये जरूर रहेगा मेरे साथ आज। बट ज्यादा थक चुकी हूँ मैं, सबसे पीछे हूँ, बट मन से आगे। हम लोग किधर पहुंच चुके हैं? अभी 15 मिनट्स लगेगा यहाँ से, 10 to 15 मिनट्स। यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया है, व्यू भी बहुत अच्छा है, आजू बाजू सब पहाड़ है और पानी भी अवेलेबल है। हाँ, पानी की तो कमतरता रहती है, बट वो भी अवेलेबल है ये प्लेस पे, तो आप टेंट आराम से लगा सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या पता है? एनिमल्स तो बीच जंगल के है, तो एनिमल्स का इशू है, वो रिस्क है, बट यहाँ पे लोग रह चुके हैं, ये देख। वाओ, अभी सब पानी का आनंद ले रहे हैं। चिल कर सकते हैं आराम से, बैठ भी सकते हैं, पानी भी पीते, नहा भी सकते हैं, बट पानी बहुत ठंडा है। हाँ गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, हम लोग आ गए। आपको करके आपको लगता रहेगा कि ये इजी है, बट नहीं, टफ है, और यहाँ पे पत्थर भी बहुत सारे हैं। और आपको लगता है कि गाइड लेने की जरूरत नहीं है, बट वो गलत। आपको गाइड लेने की जरूरत है क्योंकि अंदर बहुत घना जंगल है और रास्ते पत्ता भी नहीं चलते, पत्ता नहीं चलते और भटक सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग खुद गाइड लेके पीछे जब रह रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला था कि कौन सी साइड में गए, क्योंकि और गाइड का कुछ ज्यादा भी नहीं है। आप लोग 4-5 जन रह गए तो पर हेड आएगा 150 रुपीज आ जाएगा। आपको व्यू दिखा देती हूँ, नजारे दिखा देते हैं। अच्छा है, और स्विम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे लोग, बहुत लोग आए हैं। वैसे 10 भी नीचे हम लोग ने देख चुके हैं, इसलिए बहुत है। हाँ, और ये नजारे यहाँ पे, हम यहाँ से पानी जा रहा है और थोड़ा ही ऊपर जाते हमारा और व्यू आ जाएगा जो हमें वीडियोस में यूजुअली दिखाई दे रहा है। तो फाइनली हम लोग ये पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लोग भी बहुत आ चुके हैं। हाँ, अगर प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल मत आना, मुझे अभी इसमें जाने का मन भी नहीं है इधर जाने का। भीड़ देख सकते हो आप, भीड़ देख सकते हो आप। अरे क्या चल रहा है इतनी से पानी। Oh,
पानी बहुत ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान है और ये इतनी अच्छी जगह को छोड़ने के लिए मन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे प्लास्टिक मत फेंको गाइस, हम लोग ने पूरा प्लास्टिक उठा लिया है, मतलब अच्छे ने बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे ऐसे प्लास्टिक मत फेंका करो। तो ये लेके जा रहे हैं हम लोग, हमारा भी गाइड है। चलो, हमारे जो दो गाइड थे वो झगड़ा कर रहे हैं और तीसरा हमारे साथ। चलो भाई, ये ब्राउन मुन्ना यहाँ पे आ गया है। Why you are coming in between? Bagna. I like to come in between. Yeah. Sorry, we don't want to. Yeah. Thank you for watching this video and please do like, share and subscribe to our channel. Lagla.